नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और कई सारे बिजनेसेस जो है काम नहीं कर रहे हैं और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को जो है बड़ी दिक्कत जा रही है, और वहीं दूसरी जगह हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स अलग अलग तरीके से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की कोशिश कर रही है और RBI लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हुई है। अब दोस्तों, ऐसे केस के अंदर में बहुत सारी बैंक्स है वो NBFC से या फिर माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस को बिल्कुल भी पैसा नहीं देना चाहती या फिर कम देना चाहती है, तो ये रिस्क एवर्जन वाली स्थिति यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है मार्केट राउंडअप लेने वाले हैं कि मार्केट के अंदर में आज क्या हुआ, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि COVID-19 में जिस तरह से पैनिक आया था उसके बाद में हम पिछले कुछ दिनों से मार्केट को ऊपर आते हुए देख रहे हैं, तो क्या मार्केट ग्रीड जोन में तो नहीं आ गया है, और क्या ये रैली जो है सस्टेन करने वाली रैली है कि नहीं, आगे क्या हो सकता है, इसके कयास लगाने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिंकेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या हुआ मार्केट के अंदर में। हम लोग बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, HUL की चर्चा करेंगे, एम्बेलिक की बात करेंगे, जोन देखेंगे मार्केट का कैसा है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये मार्केट में आगे किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आज मार्केट के अंदर में क्या हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज निफ्टी क्लोज हुआ है 9313 पर, और दोस्तों ये ओपन हुआ था 9232 पर, तो काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। उसका प्रीवियस क्लोज आप देखेंगे तो इट वॉज 9187, और ये हाइएस्ट गया था 9343 पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया है आज के दिन, और आप देख सकते हैं 1.38% मार्केट अप है। अगर आप कल की बात करेंगे 22 अप्रैल की, तो डाउ जोन्स से समझ में आ गया था कि आज इंडियन मार्केट्स के अंदर में क्या होने वाला है। कल डाउ जोन्स भी 1.99% अप था, और इसकी वजह से पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि आज भी इंडियन मार्केट्स जो है ऊपर ही जाएंगे। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि आज निफ्टी में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा, तो हैवी वेट्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर में लगभग 5% का उछाल देखने को मिला है। बैंकिंग फाइनेंस में भी आप देख लीजिए दोस्तों, 2.4% का जो है उछाल देखने को मिला है। मीडिया में भी उछाल है, लेकिन उसका इतना हैवी वेट नहीं है। अगर आप दोस्तों देखेंगे कि किसने चमत्कार दिखाया आज, तो आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर 8.58% का उछाल देखने को मिला है। इसके पीछे रीजंस भी है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक 7350 करोड़ रुपीस का कैपिटल रेस कर रहा है, और यहाँ पर उसके रीजंस है क्योंकि COVID-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पे वो अपने चेस्ट पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रखकर रहना चाहता है, क्योंकि इस सिचुएशन से जो है वो आराम से सेल आउट कर जाए। और सेकेंड चीज़ दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर्स का जो स्टेक डाइल्यूशन करना है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी ये कैपिटल रेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, लगभग $1 बिलियन के करीब करीब का ये कैपिटल रेजिंग है, बहुत ही आराम से ये लोग जो है कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही तगड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में। अगर दोस्तों हम लोग TCS इन्फोसिस की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है, काफ़ी अच्छे आंकड़े यहाँ पर आज रिटर्न्स के रूप में जो है इन्वेस्टर्स को मिले हैं। तो US मार्केट चमक रहा है, तो यहाँ पर हमारी देश की टेक्नोलॉजी कंपनियाँ रिकवर कर रही है। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे HUL की, तो HUL आप देखेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे सेशंस गए हैं जहाँ मार्केट डाउन जाता है HUL अप जाता है, और अगर मार्केट अप जा रहा है तो HUL डाउन जा रहा है। तो आपको पता है कि HUL ने अनाउंस किया था GSK के साथ में, यानी कि जो हॉर्लिक्स का ब्रांड है उन्होंने एक प्रकार से खरीद लिया है, तो वहां पर HUL में जो तेजी आनी थी, एक प्रकार से कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि HUL में वो तेजी आ चुकी है, लेकिन दोस्तों आज वो अपना COVID-19 का जो सजेशन था साल भर का वो नहीं दे पाए, क्योंकि यहां पर जो है बहुत सारे लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सभी एम्प्लॉइज उनके प्लांट्स में नहीं जा पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहां पर लगभग 2.88% की गिरावट देखने को मिली है। अगर दोस्तों हम लोग निफ्टी 50 की बात करें, तो वो तो अप है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर इसमें डाउन वाले शेयर्स की बात करेंगे, तो टाइटन डाउन हुआ है, HUL डाउन हुआ है, और आप देख सकते हैं कि कुछ बैंक जैसे कि इंडसइंड बैंक वगैरह भी जो है यहां पर डाउन आपको दिखेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले बाकी इंडाइसेस की, तो आप देख सकते हैं मिड कैप में भी उछाल देखने को मिला है, स्मॉल कैप के अंदर में भी, और इवन बैंक निफ्टी के अंदर में 2.87% का उछाल देखने को मिला है। तो ये आज के लिए मार्केट जो है बहुत ही साउंड कंडीशन में, स्ट्रांग कंडीशन के अंदर में देखा, लेकिन क्या ये स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी मार्केट के अंदर में, कुछ और पैरामीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट के अंदर में क्या हुआ। तो दोस्तों आप सब लोगों का प्यारा दुलारा, यस
SBI Cards, SBI Cards के अंदर में उछाल देखने को मिला है 5.36%। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको, जब ये SBI Card अराउंड 510 रुपए वगैरह था, तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो बना के आपको जो है वहाँ पर मैंने एवरेज करने को कंसिडर करने को कहा था, और उसके बाद ये भी बताया था कि आप उसके नीचे में ये जाता है तो 450 रुपए के लेवल पर आप उसको एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिसने एवरेज किया होगा डेफिनेटली वो यहाँ पे खुश होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये अप करके मूव यहाँ पे 560 रुपए पर बता रहा है। अगर दोस्तों हम लोग FII DII एक्टिविटीज की बात करेंगे तो यहाँ पर FII ने माल बेचा है दोस्तों 114 करोड़ रुपए का, इट्स नॉट अ बिग फिगर। अगर हम लोग बात करते हैं DIS की बाइंग की तो यहाँ पर 338 करोड़ रुपीज की बाइंग दिखी है। दोस्तों कल क्या देखने को रहेगा, कल मेरी नजर किस पे रहेगी, तो कल मेरी नजर रहने वाली है Mindtree के ऊपर में, क्योंकि Mindtree का हॉस्टाइल टेक ओवर किया था L&T ने, और L&T का प्लान है कि दोस्तों ये L&T टेक्नोलॉजीज के साथ में इसको मर्ज करेंगे, तो इसके रिजल्ट्स देखने बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि Mindtree की, तो हो सकता है कि इसके जो रिजल्ट्स है वो फ्लैट रहे, लेकिन दोस्तों इस मार्केट के अंदर में फ्लैट रिजल्ट्स भी अच्छा सिग्नल दे सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग Mindtree के शेयर की बात करते हैं तो आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आज उसने लगभग 4.5% का रिटर्न दिया है, और अगर उसके हम लोग एक मंथ की बात करते हैं तो 13% डाउन हुआ है। इसके अलावा 48 घंटों के अंदर में दो और बड़ी न्यूज आई, और दोनों हिस्टोरिकल न्यूज थी। एक तो आई US ऑयल बेंचमार्क की, जहां पर WTI जो है उसका लगभग $30 के नीचे पहुंच गया, यानी कि आपको ऑयल रखने के लिए अभी पैसे देने पड़ेंगे, तो उसका इफेक्ट जो है भारतीय बाजारों के अंदर में रिलायंस के लिए एक्सपेक्ट किया गया था कि रिलायंस का शेयर डाउन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऑपरेटर्स ने शायद ऐसा गेम खेला, मुझे तो नहीं पता ऑपरेटर्स होते हैं कि नहीं, लेकिन ऑपरेटर्स ने शायद ऐसा गेम खेला कि रिलायंस को बचा दिया। लेकिन उसी के दूसरे दिन जो है एक और खबर आती है, सीधा मुकेश अंबानी अनाउंस करते हैं कि फेसबुक रिलायंस जियो के अंदर में 10% स्टेक खरीदेगा लगभग 43,000 करोड़ रुपीज का। और दोस्तों इससे कयास लगाने लग गए कि लगभग वैल्यूएशन जियो का बनता है 4.62 लाख करोड़ रुपीज, और अभी अगर आप रिलायंस का टोटल कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो वो आता है 8.5 लाख करोड़ रुपीज। तो दोस्तों इससे समझ में आता है कि ना वेरी वेरी बिग वे रिलायंस को जो है आगे चल के गेन्स होने वाले हैं, बिकॉज अभी वो कमोडिटी वाली कंपनी नहीं रहेगी दोस्तों, अभी वो सिर्फ टेलीकॉम वाली कंपनी नहीं रहेगी दोस्तों, वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी रहेगी। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस न्यूज एक महीना पहले जब ये न्यूज आई थी लगभग 23 से 25 मार्च के बीच में, और उस समय मैंने दो वीडियोज बनाए थे क्योंकि ये न्यूज आई थी रात को अराउंड 10-12 बजे। तो दोस्तों वहां पर मैंने जो है रात 2 बजे वीडियो अपलोड किया था, और उसी दिन दोस्तों रिलायंस का शेयर अराउंड 14% अप हुआ था। एंड शाम को मैंने फिर से जो है एक वीडियो बनाकर बताया था कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एंड वहाँ पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने 915 या फिर 930 के लेवल पर जो है शेयर्स को लिया था, और ये शेयर्स ने आज 1370 रुपये का स्तर दिखा दिया। सो दोस्तों आगे भी जो है मैं इसके लिए पॉजिटिव हूँ। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है तो देख लेते दोस्तों मार्केट का मूड कैसा है। ये रहा दोस्तों 5 दिनों का डेटा, अगर आप इसको मैच करेंगे डाउ जोन्स के साथ में तो इसी तरह का चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है शुरू में ऊपर रहा है, उसके बाद में एक डिप आया है मार्केट के अंदर में, उसके बाद लगातार जो है ये इंप्रूव होते जा रहा है। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं टिकर टेप पर, मैं जाता हूं यहां पर, मैं MMI देखता हूं दोस्तों। MMI का मतलब होता है मार्केट मूड इंडेक्स। तो दोस्तों यहां पर देखिए ग्रीड जोन के अंदर में मार्केट यहां दिख रहा है, यहां पर जो है 64.46 है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं दोस्तों कि बावजूद इसके कि इकोनॉमी के अंदर में प्रॉब्लम्स चल रही है, यहां पर जो है मार्केट अप मूव दिखा रहा है, तो यहां पर संशय की स्थिति आती है। खैर एक बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस 9350 पर है, अगर आप कॉल और ऑप्शन पुट डेटा वगैरह को देखते हैं तो वहां से आपको समझ में आएगा कि निफ्टी हो सकता है कि रेंज बाउंड में रहे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही कॉशियसली चलना पड़ेगा, और आपको जो है इस रैली पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाना चाहिए कि सब कुछ रिकवर हो जाएगा, बिकॉज फंडामेंटली जो है अभी भी बहुत ही वीक जो है इकोनॉमी अपनी चल रही है, और कोई डायरेक्शन नहीं है कि लॉकडाउन पूरी तरह से कब हटता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तरह से किस तरह से रिवाइव होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ कयास लगा सकते हैं, एकदम स्ट्रेट आंसर तो नहीं दे सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस केस के अंदर में, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर मामूली सा अपमूव जो है कल आ सकता है, देन उसके बाद में हो सकता है मंडे से जो है प्रॉब्लम्स आए और वहां पे आपको डाउन बुल यानी बेरिश मार्केट देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी का अगर डाउ जोन्स देखे तो यहां समझ में आता है 1.37% की बढ़त है, तो डेफिनेटली जो है कल ये पॉजिटिव सेंटीमेंट देगा इंडियन मार्केट्स के लिए। तो दोस्तों वहां पर आपको फिर से जो है अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है
निफ्टी के अंदर में और भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो इस बीच में खुलते हैं उसको भी आप जरूर ट्रैक कीजिए दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा पहला मार्केट राउंडअप है और इसके अंदर में आपको कुछ सवाल हो सकते हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं, इसमें और क्या इंक्लूड करना चाहिए आप उसके लिए सजेशन भी देख सकते हैं, क्या हम इस मार्केट राउंडअप को रोज आपके साथ में लेकर आए तो दोस्तों उसके लिए भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के और वीडियोस मिलाता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।